जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य, साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये खासकर तो मैं आज स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन आम जिंदगी आम लोगों पे भी लागू है। अभी जैसे एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं और खासकर जो बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं हल्का सा प्रेशर तो बनना ज़रूरी है, तभी जो है हम अपना 100% झोंकते हैं। लेकिन जब भी स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉजिटिव आउटकम्स नहीं देता है, वो डिस्ट्रेस हो जाता है। और जब डिस्ट्रेस होता है और आप डिस्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो कई बार डिप्रेशन जैसी बीमारी के लक्षण सामने आते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो साल भर जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, स्कूल्स अटेंड किए हैं, कॉलेज अटेंड किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर रहे हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी हो रही है। वो कहते हैं कि बिल्कुल पहले तो हम इतने मोटिवेशन से पढ़ रहे थे, अभी अचानक से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोर्स है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। तो ये जो है ये डिस्ट्रेस के सिम्टम्स है जिससे कोप करना कई बार कुछ बच्चों में या बड़ों में भी कभी भी जब चैलेंजिंग सिचुएशन आता है तो वो कोप नहीं कर पाते हैं। उसके लक्षण ये होते हैं कि नींद या भूख में परिवर्तन आ जाना, घबराहट होना, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगना और ऐसा लगना कि वो कर ही नहीं पाएंगे, एकदम होपलेस फील होना कि ये मेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो जैसे मैंने कहा, नींद भूख की परेशानी, घबराहट होना, अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज करना, लगना कि ये मेरे बस की नहीं है, होपलेस फील करना, वर्थलेस फील करना कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं अपने माता पिता के जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें नहीं खरा उतरूंगा, और हेल्पलेस फील करना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये सबसे जो है डेंजरस सिम्टम्स होते हैं। और उससे भी जब ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है अब जीवन में कोई आशा की किरण नहीं नज़र आ रही है। और कई बार तो बच्चे इस घबराहट में, इस दहशत में, कई बार नेगेटिव इतनी थॉट्स उनके दिमाग में आने लगती है कि चाहे अनचाहे उन्हें कभी ना कभी ऐसे लगने लगता है कि जीना बेकार है, और अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाए तो वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे, तो मर जाना अच्छा, यहाँ तक कि सुइसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के अगर लक्षण आपके अंदर या आपके जानने वालों में किसी में हो रही है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे बहुत अच्छे से बाहर निकला जा सकता है। उसके लिए सिर्फ ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन ओपन रखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से खुल के बात करिए, उनके इमोशंस के बारे में जानिए, उनके दिल दिमाग में भी क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करिए, बच्चे को रीअश्योर करिए कि जो भी है वो अपना डर, अपनी एंजाइटी उनसे शेयर करें। और अगर स्टूडेंट्स खुद सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि ये जो इमोशंस हैं उनको आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने भाई बहनों से, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ उनसे सुझाव भी मांगिए कि वो किस तरह से अपने आप को इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकाले। मेरे टिप्स उनके लिए ये है कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, नींद जो है 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करिए, प्रॉपर डाइट रखिए, कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ बनाए रखिए। दूसरी बात ये कि अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है, बहुत लो मूड है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, हताश हो गए, निराश हो गए, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, जल्दी से जल्दी उपाय करने की कोशिश करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और जितनी जल्दी आप साइकाइट्रिस्ट या मनोचिकित्सक के पास पहुंचेंगे तो आपके ये डिप्रेशन के लक्षण से आप उभरने में, शायद कुछ मेडिसिन से, शायद कुछ प्रॉपर गाइडेंस से, आप बिल्कुल इस जो स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल के आएंगे। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।